अब सब्सिडी मोदी ने बंद नहीं की है, जनता ने बंद कर दी हमारे जैसे लोगों ने। तो हम लोग ये कहते हैं कि हम दो बच्चे वाले तो टैक्स दे रहे हैं, 40 बच्चे वाले को सब्सिडी चाहिए, मगर ये हमको पानी दिया तो हमारा भी टैक्स हम नहीं देंगे। जो 3-4 हज़ार में खाना खर्चा हो जाता था, अब 10 हज़ार में पूरा नहीं हो रहा है। और उस हिसाब से आपकी सैलरी नहीं बढ़ी? सैलरी कहाँ बढ़ा है, सैलरी वहाँ की वहीं पड़ा हुआ है। 10 साल से सर आपकी सैलरी नहीं बढ़ी? पहले जब आदमी काम करता था तो 6,000-7,000 रुपये मिलता था, कोई मोल्डिंग मशीन में कंपनी में काम करते थे तो 12 घंटा का मिलता था 6,000-7,000। अब क्या हुआ कि डबल मिल रहा है सैलरी। हाँ, वो बड़ा आदमी बन ही जा रहा है, आज जो छोटा आदमी है ना वो छोटा ही रह रहा है। बड़ा होता है ना, ऐसे थोड़ी ना बड़ा हो जाता है छोटा होता है, ये बताओ आप, बतिया रहे हो आप लोग। ये लोगों का काम क्या है, खाली जो यात्रा जुलूस निकले पत्थर भीगो, ये सब काम है ये लोगों का है। जो भी ये त्यौहार है ना, ये सब टारगेट करने के ये लोगों की मंशा है। जो पहले दंगा उंगा होता था ना वही मिलना चाहिए। अब यूपी में देखो कितने तख्ती लगा के जाते हैं, लखनऊ में पूरा पोस्टर लगा हुआ था, देखा कि नहीं, हो सब योगी बाबा काम। आज हर जगह योगी जी के मान है कि नहीं, और ये लोग योगी मोदी को बदनाम करना चाहते हैं ये लोग। हाँ, 2047 के बाद की बात करो, अभी की बात मत किया करो। जहाँ तक हमें लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगा। आप अभी यही सर्वे करा लोगे, अभी आपको पता लग जाएगा कौन इसको पूछता। कौन है आपके पसंद का नेता कांग्रेस में? राहुल गांधी है। राहुल गांधी वो पप्पू है बेटा, वो पप्पू है। नहीं वो नहीं, ये कोई बात नहीं है। वो कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, तो हम ये कह रहे हैं कि वो जब हमारा देश का प्रधानमंत्री को गद्दा कह सकते हैं तो ये तो एक सांसद है, उसको हम पप्पू कहने पे क्या हमारे क्या रहते, वास्तव में पप्पू है वो तो। 2014 में पहले हम गरीब आदमी ड्राइवरी करते हैं, उस टाइम हमारे रूम का किराया जो था 2500-3,000 रुपये था। अच्छा। और आजकल की डेट में सर सैलरी वहाँ की वहाँ रह गया, ठीक है, और आजकल की डेट में 5,000-6,000 रुपये का कमरा किराया हो गया। अच्छा। जो 3-4 हज़ार में खाना खर्चा हो जाता था, अब 10 हज़ार में पूरा नहीं हो रहा है। और उस हिसाब से आपकी सैलरी नहीं बढ़ी? सैलरी कहाँ बढ़ा है, सैलरी वहाँ की वहाँ पड़ा हुआ है। 10 साल से सर आपकी सैलरी नहीं बढ़ी? पहले जब आदमी काम करता था तो 6,000-7,000 रुपये मिलता था, कोई मोल्डिंग मशीन में कंपनी में काम करते थे तो 12 घंटा का मिलता था 6,000-7,000। अब क्या हुआ कि डबल मिल रहा है सैलरी। हाँ, जैसे पढ़ाई हो उसके हिसाब से सैलरी मिल रहा है, कोई ITI किया, कोई डिप्लोमा किया। नहीं, ये ड्राइवरी करते हैं, इनके लिए बताइए। तो जो भी है ड्राइवरी के मतलब बता रहे हैं, जैसे है मतलब पहले जैसे मिलता था उसके हिसाब से बता रहे हैं। अब आदमी पहले क्या छोटा था, अब बड़ा बड़ा होगा तो हो तो होवे करेगा, ये थोड़ी नहीं है कि वो बड़ा आदमी बन ही जा रहा है, आज जो छोटा आदमी है ना वो छोटा ही रह रहा है। बड़ा होता है ना, ऐसे थोड़ी ना बड़ा हो जाता है छोटा होता है, ये बताओ आप, बतिया रहे हो आप लोग। हाँ, गरीबों के लिए मतलब मोदी सरकार ने कुछ ऐसा किया ही नहीं? बहुत काम किया मोदी सरकार ने, ये सिखा दिया ये लोग का काम क्या है, खाली जो यात्रा जुलूस निकले पत्थर भीगो, ये सब काम है ये लोगों का है। जो भी ये त्यौहार है ना, ये सब टारगेट करने के ये लोगों की मंशा है। जो पहले दंगा उंगा होता था ना वही मिलना चाहिए। अब यूपी में देखो कितने तख्ती लगा के जाते हैं, लखनऊ में पूरा पोस्टर लगा हुआ था, देखा कि नहीं, हो सब योगी बाबा काम। आज हर जगह योगी जी के मान है कि नहीं, और ये लोग योगी मोदी को बदनाम करना चाहते हैं ये लोग। काम ही नहीं बोल रहे ना, ये तो बोल रहे हैं योगी मोदी को पसंद नहीं है, ये बोल रहे हैं, बताओ बताओ, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, अरे मैं भी हूँ, ठीक है, इस बार सरकार बनेगा कांग्रेस की, कांग्रेस की, ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनेगा। कांग्रेस अकेले सरकार बना लेगी आपको लग रहा है? आएंगे, जरूर आएंगे, एक साथ जुड़े हैं 26 दल एक साथ जुड़े हैं। यार कोई बात नहीं, इस बार कांग्रेस की सरकार ही आएगा, कांग्रेस ही आपके लिए भला करेगी। लोग बहुत परेशान है इस बार, लोग बहुत परेशान है, बहुत परेशान है कांग्रेस की सरकार से। नहीं, कांग्रेस की सरकार इस बार आएगा, वापसी होगी, वापसी होगी। बोल रहे हैं कि मोदी योगी ने बेकार काम कर दिया है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये जो विपक्ष वालों का बेड़ा गर्क कर दिया, उसने देश का नहीं किया। तो बोलने की कांग्रेस की वापसी होगी? हाँ, 2024 में कांग्रेस, 2047 के बाद की बात करो, अभी की बात मत किया करो। जहाँ तक हमें लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगा। आप अभी यही सर्वे करा लोगे, अभी आपको पता लग जाएगा कौन इसको पूछता। पहली बात है, कांग्रेस के अंदर सीट भर सकती है अगर कुछ काम करे तो। अगर मान लो कि वो इसको अशोक गहलोत है, हाँ, उसको प्रधानमंत्री घोषित कर देवे, हाँ, तो 10-20 सीट बढ़ जाएगी। हाँ, 50 से 70 हो जाएगा। हाँ, 50 से 70 हो सकती है, बनेगी नहीं, उसे सरकार नहीं बनेगी, लेकिन इसका एरिया बढ़ता जाएगा। कमलनाथ को कर दो तो 80 सीट चली जावे। अच्छा।
इसका कारण है ना कि इसके पास कांग्रेस के पास आज की तारीख में कोई प्रधानमंत्री के लायक आदमी कौन है ये बता दे। आप तो कांग्रेस की बात कर रहे थे, कौन है आपके पसंद का नेता कांग्रेस में? राहुल गांधी है। राहुल गांधी वो पप्पू है बेटा, वो पप्पू है। नहीं वो नहीं, ये कोई बात नहीं है। वो कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, तो हम ये कह रहे हैं कि वो जब हमारा देश का प्रधानमंत्री को गद्दा कह सकते हैं तो ये तो एक सांसद है, उसको हम पप्पू कहने पे क्या हमारे क्या रहता? वास्तव में पप्पू है वो। तो एक बात बताओ, लोकतंत्र जिंदा है। जब एक कांग्रेस वाला ये कह रहे कि नरेंद्र मोदी गद्दा है, लोकतंत्र में बोल सकते हैं, तो उसी तरह के हम भी कह सकते हैं कि वो भी एक गद्दा है, पप्पू है। पप्पू के इसकी क्या औकात है ये बता दो। सदन में वापसी हो गई है उनकी? एक तो एक बताओ, सदन में वापसी हो गई, वो तो जेल में जा, मैं चार बार जेल जा के आया हूँ, तो इसमें कौन सी बात है कि भाई वो तो जाते आते रहते हैं। ये कहीं गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये है उसका काम, कोर्ट का। वो कोर्ट का काम सर्वोपरि है, हम उसका सम्मान करते हैं। हाँ, उसके लिए कहीं वो नरेंद्र मोदी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कांग्रेस की सरकार देखी होगी पहले 14 से पहले, और मोदी जी की सरकार देखी, अंतर क्या लगा आपको? जब पहले कांग्रेस की सरकार था ऐसे कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। जो गैस है कितना सस्ता था, सरसों का तेल है कितना सस्ता था, और आजकल की आज की डेट में देखो इतनी महंगाई है, हम गरीब लोगों के लिए बहुत परेशानी है। पहली बात तो ये बताओ, 2014 में गैस का सिलेंडर था 860 रुपये में, आज 860 में मैंने खरीदा हुआ, मेरे पास आज भी बिल है। 860 का सिलेंडर था, आज की तारीख में 1160 है। अगर 9 साल में 300 रुपये बढ़ गया तो कौन सी चीज़ बढ़ गई है भाई? नंबर सरसों का तेल उस टाइम पे भी 120 रुपये किलो था, आज की तारीख में 135 रुपये किलो है। अब आ जाओ दाल, उस जमाने में 220 रुपये की दाल किलो थी, आज 160 में है। अब बताओ महंगाई कहाँ आई है? महंगाई अब मैं और बताओ, गैस सिलेंडर ये भाई अब ये कहेंगे कि हमको सस्ते में मिल रहा था, मैं मानता हूँ सस्ते में उस टाइम पे सब्सिडी मिलती थी। अब सब्सिडी मोदी ने बंद नहीं की है, जनता ने बंद कर दी, हमारे जैसे लोगों ने। तो हम लोग ये कहते हैं कि हम 2 बच्चे वाले तो टैक्स दे रहे हैं, 40 बच्चे वाले को सब्सिडी चाहिए, मगर ये हमको पानी दिया तो हमारा भी टैक्स हम नहीं देंगे। अगर हमारी सब्सिडी फोकट में देश के विकास में यूज करो, ये नहीं है कि आप 40 बच्चे वालों को सब्सिडी बांटते रहोगे, ये हमका नहीं है पसंद, बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं चाहते।